नमस्ते दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, कला क्या है? कला वो विधा है जो किसी सौंदर्य को उसे रचनात्मक ढंग कौशल्य में उसे हम परिवर्तित करके सुंदर बनाते हैं, उसे कला कहते हैं। कला के कई रूप है, नृत्य संगीत है, शिल्पकला है, कई कला है, लेकिन आज हम विशेषकर बात करेंगे चित्रकला पर। और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो है ये ट्रॉफी अवार्ड जो है रघुवीर रामेश्वरम जिसको प्राप्त है, और ऐसे बहुत सारे जो अवार्ड्स इनको मिले हैं। चलिए हम उनसे आपको मिलवाते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करते हैं जीवन में और कैसे इनको ये सब अवार्ड प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं रामेश्वरम रघुवर जी से। हमारी ओर से नमस्ते। जैसे आपको प्रवीण नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, तो ये अवार्ड मैं देख रही हूँ और इसके साथ कई और अवार्ड आपको भी मिले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कला जो है वो ज़्यादा आप चित्रकारी पर ही ध्यान देते हैं, तो थोड़ा आप अपने जर्नी कैसे आपने शुरू किया, थोड़ा इस पर आप बात करें। बाय प्रोफेशन मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। मैं लॉजिस्टिक्स IBL में काम करता हूँ। हाँ। चित्रकारी एक पैशन है। हाँ। तो मैं एक वायर में रहता हूँ। हाँ। मैंने बी ए फाइन मैंने बी ए ऑनर्स ग्राफिक डिज़ाइन में किया है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में। हाँ। और हाल ही में मैं अपना MBA पूरा कर रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी में। हाँ। ग्राफिक डिज़ाइन ही पर नहीं, स्पेशलाइजेशन विज मार्केटिंग में। अच्छा। हाँ। ठीक। तो मैं साथ साथ में एक प्राइवेट ट्यूटर भी हूँ। हाँ। जो मैं छात्र को ट्यूशन देता हूँ डिज़ाइन ही पर, आर्ट एंड डिज़ाइन में ट्यूशन देता हूँ। और ये 18 साल हो गए हैं, 18 साल जो मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। जिसमें अनेक प्रकार की कंपटीशन भी थे। हाँ। इनमें कलाकरम अवार्ड हैं जिसमें मैं विजेता प्राप्त हुआ हूँ मॉरिशस में। कलाकरम, कलाकरम अवार्ड। हाँ। और ये ऑर्गेनाइज है इंडिया से। अच्छा। हाँ। ठीक। सो अवार्ड मिलने जा रहा है इसी महीने। हाँ। ये आप अकेला मॉरिशन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है? अकेला मॉरिशन जो विनर है। हाँ। पर सिलेक्ट हुआ है अनेक मॉरिशन। अच्छा। तो मैं ही विनर हूँ तीसरे स्थान पर कलाकरम पर। अच्छा। कला जो है कैसे आपने मतलब कि कैसे शुरू किया, किससे आप प्रभावित हुए? तो मेरे प्रेरणा मेरे पिताजी से हैं। मैं 5 साल का था जब मेरे पिताजी कावा बनाते थे। अच्छा। जैसे कि एक एपिक है महाभारत के लिए, ये अर्जुन थे और श्री कृष्ण भगवान थे जो रथ में महाभारत में वो जा रहे हैं युद्ध के लिए जा रहे थे। तो वही रथ जो जो रथ था उसने बना था 3D में, मेटल बड़ा कावर था। तो उसके साथ अपने टीम थे कीर्तन मंडली के सदस्य। तब आप छोटे थे क्या? हाँ। छः साल। तभी से मुझे प्रेरणा मिल गई थी कि मुझे एक दिन एक आर्टिस्ट बनना है। अच्छा। मतलब कि ये आपके जो है अभी संस्कार में आपको मिला? हाँ, संस्कार में। और मैं ढोलक भी अच्छा, आप संगीत में भी रुचि रखते हैं? संगीत में, क्योंकि मेरे पिताजी एक गुरुजी हैं कीर्तन भजन के लिए। अच्छा। वो मंडली है, गायक है और उनकी मंडली है। और आप ढोलक बजाते? मैं ढोलक बजाता हूँ। तो फिर मैं जब कॉलेज में दाखिल हुआ फॉर्म 1 में। हाँ। मैंने इंस्पायर्ड हुआ था SC और SC के छात्र के जब वो एक प्रोजेक्ट कर रही थी। हाँ। तो मैं खिड़की द्वारा उनको देख रहा था। हाँ। तो मैं जब घर आता था शाम को मैं इनके नकल उठाता था। अच्छा। पेंटिंग के लिए। तब इसी दौरान आपने सीखा भी नहीं था तब? नहीं। तो सिर्फ जो स्कूल में बताते थे वही, तब मैं प्रैक्टिस करता था। जब मैं घर आता था उनके नकल करता था तो वो सेम नहीं था। तब एक दिन स्कूल द्वारा हमने एग्जीबिशन गए थे MUS में, तभी मैंने एम कर लिया था कि एक दिन मेरा पेंटिंग यहाँ पर ज़रूर आएगा। अच्छा। तो वही हुआ, लक्ष्य जो है लक्ष्य तो एक दिन पहुँचे। मैं HSC में था, प्रोजेक्ट कर रहा था आर्ट के लिए। तो बेस्ट आर्ट प्रोजेक्ट मिला था मुझको, तो वो एक सप्ताह से एग्जीबिट हो रहा था MUS HB में। तभी मेरे आर्ट ट्यूटर मेरे गुरुजी देव चुरामन,
अच्छा उनका तो एसोसिएशन है। हाँ एसी एसोसिएशन है। उसी ने मुझको बोला कि तुम एक दिन एक अच्छे कलाकार बनोगे, चित्रकार बनोगे, तो क्यों ना एसीओ को ज्वाइन करो। तभी से मैंने ज्वाइन किया। तो अभी साल 18 साल हो जाएगा अभी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भाग लेता हूँ। अभी के लिए मैं आसिया के सेक्रेटरी हूँ, जिसमें हम अनेक एग्जीबिशन करते हैं, ग्रुप एग्जीबिशन। इसमें कम से कम बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, माने जाने आर्टिस्ट हैं आसिया में। हाँ जानते हैं। इसमें दसवाल के भाई हैं, चुरामन, काफी कई कलाकार जिनसे कई प्रोग्राम हो चुके हैं, कला प्रोग्राम। जब कॉलेज का खत्म हो गया तब मैंने ग्राफिक डिज़ाइन चुना यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में करने के लिए। तभी इसी दौरान मैंने कंपटीशन में भाग लिया था, अनेक अवार्ड मिले थे, यही है यहाँ पर, जिसमें एग्जीबिशन में मैं कंपटीशन में जूरी मेंबर भी था। अच्छा, मेरे हाथ में जो अवार्ड है ये आपको मिला है पिछले साल, किस साल में? 54th anniversary of Independence Day of Mauritius. ये आपको ये अवार्ड, ये अवार्ड मिला था। हाँ, और ऐसे कई अवार्ड्स मिले हैं जैसे जिसमें मैन ऑफ द अवार्ड हैं, दो बार मिला है आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में। मुझे फोटोग्राफी भी के अवार्ड मिला है इकाक कॉम्पिटिशन में, और इंटर कॉलेज में दो बार अवार्ड मिला है। बहुत अच्छी बात है कि आपको अवार्ड भी मिले हैं, और चित्रकारी के साथ साथ आप संगीत में भी जुड़ी, हाँ आपकी रुचि है, और गाते भी हैं कहीं पर, प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, पिताजी गाते हैं, मैं ढोलक बजाता हूँ। अच्छा, जाते हैं भजन में जाते हैं तो साथ में जाते हैं, मेरे पति भी कीर्तन करते हैं, मैं भी जाती हूँ उसके साथ, और मेरा बेटा छोटा बच्चा भी जो है वो भी छोटा कलाकार ही है, वो पेंट करते हैं और ढोलक भी बजाते हैं। प्रवी एक अच्छा कलाकार है, वो बहुत बहुत सुंदर चित्र बनाता है, वो न जाने कितने प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, इंटरनेशनल और मॉरिशस में भी बहुत प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, और वो ढोलक तबला भी बजाता है संग में भजन कीर्तन, और उसका छोटा बच्चा जो है वो भी साथ साथ कला करता है, पेंटिंग करता है और ढोलक बजाता है, तबला बजाता है। बहुत अच्छी बात है। और चलिए, मैं देख रही हूँ बहुत सारे जो आपके जो पेंटिंग्स है, इसमें क्या आप बताना चाहते हैं, इसमें क्या आपका जो मैसेज है? तो ये पेंटिंग नेल्सन मंडेला में एग्जीबिट हुआ था। अच्छा, 2022 में, जो स्क्लावाज के अवसर में, इसका टाइटल स्लेव में था। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे स्लेवरी था मॉरिशस में। ओके, इसका इस्तेमाल मैंने इलास्टिक बैंड का उपयोग किया है, मिक्स मीडिया और एब्स्ट्रैक्ट भी। और आपने ये इसको एग्जीबिट किया था वो नेल्सन मंडेला सेंटर में। और इधर भी ये जो है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा करें। हाँ रवि जी, आपका जो पहला जो पेंटिंग है क्या है, क्या किया है? ये एक लोटस फ्लावर है, इसका टाइटल था लाइफ साइकिल। उसके पेटल जो थे वो नए वाला ब्लॉसम कर रहे थे, और जो पुराना था वो सूख गए थे। तो मैं लाइफ साइकिल बता रहा था कि ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं नहीं लगता है, नेचर भी में अप्लाई होता है। तो ये मेरा पहला एग्जीबिशन था साउंड रेमे में, जो एमजीआई द्वारा ऑर्गेनाइज करता है हर साल। एक
और सराउंडिंग में एक जाना माना एग्जीबिशन है इसी साल भी हुआ था। जो आपने परचेज किया था मेरा एक इंस्टॉलेशन और था सराउंडिंग में इस साल के लिए इसका टाइटल था द स्टॉर्म तूफान तो जिस पर ड्रग अधिक युवाओं के हैं उसमें आधारित था जैसे लोटस का जब आपने बनाया तो उसमें वो नहीं वो अलग तरह का पेंटिंग था ये भी सर्रियल था वो सिर्फ कोलाज और पेंटिंग पर था अच्छा वो उस पर स्क्रैप मटेरियल नहीं था तो स्क्रैप मटेरियल मैंने शुरू किया 2021 में तो ये मेरा नया स्टाइल है अच्छा स्क्रैप मटेरियल को चूज करना इंस्टॉलेशन और करना ये सब जैसे वो रवि भिखारी जो है उन्होंने भी ये कपड़े को लेकर मैंने भी इस्तेमाल किया है कपड़े को लेकर प्लास्टिक एल्युमिनियम फॉइल लकड़ियों को भी मैंने इस्तेमाल किया है पेंटिंग में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है जो कुछ आप करते हैं आपका जो पेंटिंग्स है बल्कि अन्य कलाकारों से आपको अच्छा लगता है जो कुछ आप करते हैं या सोचते हैं कि और बहुत कुछ सीखना है जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी रुचि बचपन से ही था अच्छा। कलाकारी में तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं काम से निकल के आता हूँ घर पर जब मैं भी पेंटिंग करता हूँ स्ट्रेस को निकालने के लिए अच्छा जो आप देख रहे हैं मैं एक पेंटिंग कर रहा हूँ पिकअप में मैंने यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया है इसका शेप एक पिकअप की तरह दे रहे हैं और मैंने उंगली का इस्तेमाल किया है इफेक्ट डालने के लिए अब उसका शेप दे रहा हूँ द स्टॉर्म ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट है मैंने पेंटिंग कोलाज और स्कल्पचर का प्रयोग किया है इस इंस्टॉलेशन आर्ट इसी साल के सराउंडिंग में MGI में एग्जीबिट हुआ था जो मॉरिशस के फेमस एग्जीबिशन है मैं आज के नौजवानों से इंस्पायर्ड हुआ था जो ड्रग में फंस गई हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं यहाँ मैसेज दे रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति गांधी जी के फ्री वाइज मंकी के मैसेज को अपनाता है जैसे कि बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत कहो तो किसी भी गलत रास्ते में नहीं चल पाएगा ये मेरा मैसेज है और मैंने स्क्रैप मटेरियल यूज़ किया है जैसे कि कपड़े इनमें मेटालिक भी हैं प्लाईवुड हैं पॉलीस्टायरीन हैं पॉलीस्टायरीन से मैंने ये स्कल्पचर बनाया है और इसमें आयरन रॉड्स भी हैं इसको साकार करने के लिए रवि जी ये जो ये पेंटिंग्स है थोड़ा सा अलग है इसमें मैं देख रही हूँ इसका जो मटेरियल आपने यूज़ किया है कुछ अलग है ये जो है पॉलिएस्टर और ये सब क्या PVC पाइप्स अच्छा अच्छा इसको आपने बहुत सुंदर ढंग से सजाया है और ये मुझे लगता है अंडरसी और इसमें क्या आपने और प्रयोग किया है इसमें पेंटिंग का प्रयोग किया है कोलाज है इसमें आप देख सकते हैं पॉलिएस्टर का इस्तेमाल किया है मैं एक दिन समुद्र तट पर गया था तो मैंने देखा कि कितना पोल्यूशन है मैं समुद्र तट पर पालमों में था PVC पाइप को कट किया एक कोरल के फॉर्म के देने के लिए शेप आउटर शेप और पॉलिएस्टर मैंने ट्रांसफॉर्म किया कोरल में 3D इफेक्ट देने के लिए
और मैंने ये सोचा कि क्यों हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल और का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन टर्न स्टार मटेरियल इनटू आर्ट्स, ये बना। हाँ, आप कहीं भी जाते हैं कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसको आप मैं पिक्चर लेता हूँ या मेरे दिमाग में छप जाता है तब मैं घर आके स्केचिंग करता हूँ, तब मैं उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करता हूँ। अगर मैंने किसी स्टार मटेरियल को दिखाया तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, तब घर लेकर आता हूँ। और ऐसे कई कलाकार हैं जैसे विक सिद्धार्थ जी हैं, वो स्टार मटेरियल से अपना स्कल्पचर करती हैं। और बहुत बहुत बड़े बड़े भी उन्होंने वो बाइसिकल ये सब बनाया है। और बहुत सारी पेंटिंग्स मैं देख रही हूँ, जैसे ये इसके बारे में क्या आप बताएंगे? तो ये पेंटिंग मैं इंस्पायर हुआ था, एक प्रवचन में गया था स्कूल के, जो प्रभु जी थे वह एक कृष्णा जी के एक पिक बता रहे थे जहाँ पे वो एक सांप से मुकाबला कर रहा था अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो यही पेंटिंग मैं घर आके पेंट किया था देरी रात तक। मैं घर आया था 9 बजे, तब इसको पूरा करा किया था होल नाइट। अच्छा, 4 AM इन मॉर्निंग, मैंने चार सुबह के 4 बजे तक। तो इसमें मैंने कोलाज का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर देखते हैं ऊपर पर एक इफेक्ट है जो स्क्रैच है। हाँ, एक डिफरेंट इफेक्ट है जो जिसमें मैंने आग का इस्तेमाल किया है और तितलियों के इस्तेमाल के लिए मैंने खुला किया। हाँ, और इसमें जो ये बच्चे जो है ये इसमें बता रहे ये फाइट कर रहे हैं, श्री कृष्णा जी हैं वो इस सांप से फाइट कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर चित्र है और मैं देख रही हूँ इधर भी बहुत सुंदर आपकी जो पेंटिंग्स हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। तो ये पेंटिंग SDG Goal 8 में आधारित है, इसका टाइटल डिसेंट जॉब है। तो मैंने अनेक प्रकार के हिस्से बताए हैं। हाँ, जो व्यक्ति टेक्सटाइल में काम करती हैं, मेट्रो है, फिश फार्मिंग है, चाय के पत्ते के इंडस्ट्री हैं, पायलट्स हैं, शुगर रियल एस्टेट्स हैं, सब डिसेंट जॉब हैं। अच्छा, तो ये पेंटिंग एग्जीबिट हुआ था SDG Goal में के द्वारा मिया के एग्जीबिशन में एग्जीबिट हुआ था, एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। और ये वाला? ये एक लैंडस्केप है, जब पेंटिंग शुरू किया था तब ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, इसमें ये शुरुआत में आपने किया, लेकिन बहुत अच्छा है, धन्यवाद। Okay. तो मैं उस वक्त लैंडस्केप करता था। हाँ, तो ये एक है। रवि जी, आप नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रभावित हुए हैं ना, और मैं ये देख रही हूँ ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये डिफरेंट है। हाँ, ये स्टाइल मैंने 2021 में अडॉप्ट किया था। हाँ, जैसे कि स्क्रैप मटेरियल को इस्तेमाल करने के लिए मैंने गणेश जी पर एक पेंटिंग आधार किया है। हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये पेंटिंग सावन दे मई में एग्जीबिट हुआ था, सगन सावन मई में। तो मैंने इस पर प्लास्टिक स्पून का इस्तेमाल किया है। अच्छा, और इस पॉलिएस्टर भी है इसके साकार करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बोला मैं नेचर से इंस्पायर हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें हरा कलर मिल सकता है, नीला भी है। तो ये सब कलर नेचर के फॉर्म होते हैं।
दर्शकों यहाँ पर समाप्त करें कला प्रोग्राम और प्रवीण जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रवीण जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छे के आप चित्रकार हैं और संगीतकार भी हैं, बहुत अच्छी तरह से ढोलक बजाते हैं, संगीत जहाँ पर संगीत होता है, भजन का कार्यक्रम होता है, आप अपने माता पिता का साथ देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूरा परिवार आपका जो है कलाकार है ना। हाँ, हाँ। आपका छोटा बेटा भी वो भी संगीत में रुचि रखता हाँ। है और आज भी चित्रकार करता है, चित्रकार बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि आप चित्रकला में या संगीत में आप आगे बढ़ते रहें और परिवार का नाम रोशन करें। हमारी ओर से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।